हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल यूपीएस फॉल्ट में। आप देख रहे हो मेरे पास है लुमिनक्स का इन्वर्टर, और जब इसको मेंटर पे कनेक्ट करते हैं तो देखिए ये कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रही, इसकी ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड पड़ा है और आउटपुट भी नहीं निकाल रहा। मैं आपको एक बार वायर लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ही हम आउटपुट वायर लगाते हैं कोई वोल्टमीटर पर रीडिंग नहीं आ रही, और खेली स्विच की ऑन ऑफ लाइट हो रही है और कोई भी ओपन नहीं दिख रही। तो ये मैंने जैक निकाल लिया है, लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो स्विच को सप्लाई जाती होती है 12 वोल्ट डीसी, वो जा रही है कि नहीं जा रही। तो आपने डीसी पर सेट कर लेना है वोल्टमीटर, नेगेटिव कनेक्ट कर लें बैटरी से। पॉजिटिव वायर जो जैक पर लिखा होगा पॉजिटिव, 12 प्लस लिखा होगा प्लस 12, तो यहाँ पर वोल्ट आनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पर वोल्ट नहीं आ रही तो ये कारण भी हो सकता है कि आपकी स्विच काम नहीं करेगी, इन्वर्टर की, आपका इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर आपकी वोल्ट नहीं आ रही तो आपने चेक करनी है ये रेजिस्टेंस लगी होती है, दिखाता हूँ आपको ये वाली, इसकी पिन पर वोल्ट चेक कर लें आप दोनों साइड। अगर किसी एक साइड पर नहीं आ रही तो आप रेजिस्टेंस चेंज कर दें। तो ये मैंने किट बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर MOV जो लगा होता है ये वाला, ये सड़ गया है, बर्न हो गया है, और ये रेजिस्टेंस लगी होती है 5 वाट की, ये भी बर्न हुई हुई है। तो इसका कारण ये था कि हाई वोल्टेज आ गई है काफ़ी, और एक इधर ट्रांजिस्टर लगा था SMD वाला जो कि फैन को कंट्रोल करता है, वो भी बर्न था। तो मैंने निकाल दिया है। अब चेक करते हैं माइक्रो से पहले आप ये जो क्रिस्टल होता है इसको आप चेंज करके देख लें, अगर आपकी स्विच काम नहीं कर रही। तो कई बार क्रिस्टल जो लगा है ऑसिलेट, इसके ख़राब होने से भी हो जाता है। तो माइक्रो मैंने क्रिस्टल चेंज करके देख लिया पर मेरा काम नहीं करा। तो अब मैं माइक्रो चेक करके दिखाता हूँ कि माइक्रो में खराबी है कि नहीं। तो माइक्रो चेक करने के लिए पॉजिटिव वायर में मैं माइक्रो से कनेक्ट करता हूँ, जो कि स्विच से कनेक्ट होती है, स्विच से इधर जाकर माइक्रो की पिन पर आती है। तो ये मैंने पॉजिटिव वायर लगा ली है कंटिन्यू पे करके, और कंटिन्यू चेक करते हैं हर एक पिन की, देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है। आपकी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, अगर आपकी भी रीडिंग आ रही है, सारी पिनों पर आ रही है, देखिए मेरी सारी छोट है। तो हाई वोल्टेज आने के कारण ये माइक्रो अंदर से बर्न हो गया है, जिसके कारण पिन जो है छोट हो गया है। तो ये मैंने पुराना माइक्रो निकाल लिया है और नया माइक्रो डालने जा रहा हूँ, ये है। तो इसको मैं डाल लेता हूँ। माइक्रो के बहुत कम चांसेस होते हैं कि बर्न होने के, बर्न तब होगा जब आपकी हाई वोल्टेज आएगी। तो ये मैंने माइक्रो डाल लिया है, सोल्डरिंग कर ली है, ट्रांजिस्टर भी डाल लिया है, NPN ट्रांजिस्टर था ये जो फैन को कंट्रोल करता है, और MOV और रेजिस्टेंस भी डाली है। तो अब छोड़ करके देखते हैं मेरी किट चल तो रही है, अभी जैक लगा के देखते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी हाई वोल्टेज आई है और जो बादलों की गर्ज होती है, जो बिजली चमकती है बादलों में, उसके कारण भी कई बार चांसेस होते हैं कि इन्वर्टर में फाट पड़ जाता है। तो ये मैंने आउटपुट निकल आ गई है देखिए। तो मेरा जो SCR था, ट्रैक लगा था जो, वो भी शॉर्ट था क्योंकि हाई वोल्टेज के कारण MOV, इसलिए बंद हो गया था मेरा MOV। बता दूँ प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है, हाई वोल्टेज के लिए, जो कि ब्लू सा होता है, दो टांगे निकली होती हैं उसमें। तो हाई वोल्टेज का आने के कारण वो शॉर्ट हो जाता है। तो ये प्रोटेक्शन है जो किट में काफ़ी लगी होती है। तो ये मेरी मेन निकलनी स्टार्ट हो गई है, सिंपल सा ही फॉल्ट था पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो अगली बार फिर हाजिर हूँगा एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।